अब हम पीपीओई बनाने लगे हैं, पीपीओई सर्वर, ठीक है, डायलिंग वाला सर्वर। इसके अंदर यूज़र एंड के ऊपर हमें जाना पड़ता है, यूज़र के घर जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके हम एक डायल अप का कनेक्शन बनाते हैं। उस डायल अप के कनेक्शन के ऊपर हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं जो हम सर्वर के अंदर बनाएंगे। जब वो डायल करेगा तो उसका नेट चलेगा, खाली एक्सप्लोरर ओपन करने से उसका नेट नहीं चलेगा, वो कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, बल्कि डायलर का कनेक्शन डायल करोगे तो वो तब चलेगा नेट। तो ये वाला सेटअप है। तो बाज़ लोग इसको भी बहुत अच्छा समझते हैं, वो कहते हैं ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे भी बड़े बेनिफिट हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंप्यूटर के ऊपर एक डायलर बनता है, दो तो बन नहीं सकते उसमें, ठीक है ना, और जिस कंप्यूटर के लिए डायलर बनाया उसी के लिए होगा वो। अच्छा, इसके अंदर भी वही इनिशियल सेटिंग हमें वही करनी है। सबसे पहले क्या करना, काम करना है इंटरफेस को, जिसके ऊपर ट्रैफिक आ जा रही है उसको हमने लैन बना लेना है, ठीक है। और इसके अंदर इथर वन जो है ना मेरा, वो वैन है, ठीक है। अच्छा, ये होगा काम। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमने इंटरफेसिस बनाए ना, वही पुराने वाले कहानी है सारी, लैन को आईपी देंगे और वैन को आईपी देंगे। और एड्रेसेस में आ जाते हैं हम, प्लस का बटन प्रेस किया, पहले लैन काम करेंगे, ठीक है जी, लोकल एरिया का हम आईपी डिक्लेयर करेंगे पहले, ठीक हो गया जी। तो इंटरफेस चूज़ करना है लैन आपने, अप्लाई एंड ओके। अब वैन की एंट्री आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और अच्छा मेथड है, वो ये है कि डीएचसीपी क्लाइंट के ज़रिए करो, इजी ओके, कोई ऐसा मसला नहीं, आपको कुछ भी नहीं चेक करना पड़ा, बस वैन इंटरफेस सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपकी ट्रैफिक आ रही है, अप्लाई एंड ओके। देखो फटाफट उसने 7 आईपी दे दिया। आप देखो आईपी एड्रेसेस के अंदर लैन और वैन दोनों को आईपी मिल गया, ठीक हो गया काम। बेसिक चीज़ ये है, यानी कि बेसिक चीज़ आपको पता चल गई ना, आपने लैन और वैन को कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है, किसको लैन करना है, किसको वैन करना है, आगे आपके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, अब काम ये है कि हमने आज पीपीओ बनाना है। पीपीओ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डीएचसीपी सर्वर नहीं बनाते, हम पूल कन्फिगर करते हैं। इसके अंदर जो डीएचसीपी सर्वर होता है ना, उसके अंदर भी पूल कन्फिगर होते हैं, लेकिन पूल के साथ कुछ और भी कन्फिगेशन होती है उसकी, ठीक है। तो लेकिन ये जो पीपीओ सर्वर होता है ना, इसके अंदर डीएचसीपी सर्वर नहीं बनता बल्कि पूल बनता है, ठीक है। तो हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले पूल बनाएंगे। सबसे पहले पूल के अंदर ये बताएंगे कि हमारे क्लाइंट या जो हमारा कंप्यूटर है वो क्लाइंट को कहाँ से लेके कहाँ तक आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमने सबसे पहले इसको क्लिक करना है। तो ये पूछेगा जी पूल का नाम क्या रखना है, हमने इसको कह दिया मैंने पीपीओई डैश पूल वन, इसका नाम रख लेना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एड्रेस रेंज कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक तुम एड्रेस दो। मैं कहता हूँ 5 से लेके तुमने, नहीं ठीक नहीं लिखा, हाँ डैश लगा देनी यहाँ पे 254, ठीक हो गया जी। अप्लाई एंड ओके, यानी हमने इसको कहा भी 5 से लेके 254 तक क्लाइंटों को तुमने आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अब होता ये भी डीएचसीपी के अंदर यही चीज़ होती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये पूल बन गया, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने पीपी ट्रिपल पी को क्लिक करना है पीपी सर्वर बनाने के लिए। इसको क्लिक करेंगे तो ये एक आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा ट्रिपल पी का। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इंटरफेस ऐड करवाना है पीपीओ सर्वर के लिए। प्लस का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे पीपीओ सर्वर होगा, इसको क्लिक करना है। इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ पीपीओ इन वन लिखा हुआ, इसको एज इट इज़ आपने अप्लाई कर लेना, कुछ चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज़ अप्लाई कर लेना। उसके बाद ये दूसरा टैब कंट्रोल है पीपीओ सर्वर का, इसके अंदर ये प्लस का बटन प्रेस करना है आपने। जैसे प्लस का बटन प्रेस करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर वो सबसे पहले पूछता है आपकी सर्विस का नाम क्या है। मैं कहता हूँ जी पीपीओई सर्विस है, कुछ भी कर सकते हो। ये तो वैसे मैंने एग्जांपल देने के लिए किया ना, पीपीओ सर्वर बना रहे थे उससे रेलिवेंट मैंने पीपीओ सर्विस वन लिख दिया। बेशक आप अपना नाम लिख दो, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये सर्विस कौन से इंटरफेस के ऊपर चलनी है, लैन के ऊपर चलनी है, ठीक है। अच्छा, कीप लाइव टाइम आप हटा देना इसका, वन सेशन पर होस्ट, इससे मुराद ये है कि एक मैक एड्रेस के ऊपर एक ही डायलर चले। अच्छा, ये ऑटो चलेगा,
ये ऑटो चलेगा, वन सेशन पर होस्ट, यानी एक होस्ट के लिए एक ही सेशन हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये वाले मैकेनिज्म ऑथेंटिकेशन, आपने सिर्फ यहाँ पे पैप रहने देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अप्लाई एंड ओके। लो जी, पीपीयू सर्वर कन्फिगर हो गया। अब हमने बनाने हैं प्रोफाइल, जैसे हमने हॉटस्पॉट के अंदर प्रोफाइल बनाया था ना, बिल्कुल एज इट इज़ हमने इसके अंदर प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। प्रोफाइल को क्लिक किया, प्लस का बटन प्रेस किया। अब इसका प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले प्रोफाइल ने मैं 1 Mbps बना रहा हूँ, ठीक है जी। लोकल एड्रेस, लोकल एड्रेस के ऊपर आपने इसके लोकल इंटरफेस का आईपी देना है, यानी इसके सर्वर का आईपी देना आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, 100.1 आपने करना है, यानी जो माइक्रोटिक सर्वर का जो सर्वर का आईपी होगा वो 100 हमने दिया ना, इसको 100.1 दिया, तो वही वाला आईपी आपने यहाँ पर। अब रिमोट एड्रेस के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने वो जो पीछे पूल बना के आए हैं ना, वो यहाँ पे नज़र आएगा, वो पूल आपने यहाँ पे बता देना है इसको। कोई भाई जिस क्लाइंट को ये प्रोफाइल लगेगा उसको आईपी कहाँ से मिलेंगे, इस पूल में से मिलेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने डीएनएस सर्वर यहाँ पे दे देना, डीएनएस सर्वर के ऊपर यही वाला नाम लिख, यही वाला आईपी लिख दें, क्योंकि ये ज़्यादा खुद डीएनएस भी है, ठीक है, इंटरनल डीएनएस है। तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और डीएनएस लिखना चाहते हो अल्टरनेट, वो भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्टरनेट का बेनिफिट होगा कि अगर ये डीएनएस आपका वर्क नहीं कर रहा तो ये अगले डीएनएस के ऊपर चला जाएगा, खुद ही स्विच आउट कर लेगा, स्विच इन कर लेगा। आप मिसाल के तौर पर ये गूगल का डीएनएस है, ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, अगर ये नहीं काम करेगा तो अगले के ऊपर चला जाएगा। तो जितने मर्जी डीएनएस लगा लो, उनका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक हो गया काम। अच्छा, इसके बाद हमने क्या काम करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमने लिमिट लगाना है, नहीं विन सर्वर का, ये विंडोज़ के लिए होता है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने लिमिट्स के अंदर लगानी है, पहले अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दें या बाद में अप्लाई कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं। लिमिट्स के अंदर जाकर आपने रेट लिमिट करना है, 1 Mbps के लिए 341K और /1024K, जैसे हमने हॉटस्पॉट के अंदर दिया था वैसे ही आपने ट्रांसफर रेट यहाँ पर लगा देना। ये अपलोडिंग और ये आपकी डाउनलोडिंग, ठीक हो गया। अप्लाई करना है और ओके करना है। इस तरह बाकी प्रोफाइल बना लेने हैं। एक और बना के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं 512 का बना रहा हूँ, 512K का बना रहा हूँ, ठीक है जी। रिमोट लोकल एड्रेस के ऊपर सर्वर का आईपी, जो हमने 1 इसको कहा है, ठीक होगा। रिमोट एड्रेस के ऊपर क्लाइंट का आईपी कहाँ से वो लेगा वो, और डीएनएस के ऊपर आपने जो डीएनएस है हमारा वो हम लिख देंगे 1, ठीक हो गया। अल्टरनेट डालने हैं डालो, नहीं डालने तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लिमिट्स के अंदर जाकर यहाँ पे लिमिट कौन सा आगे लिमिट्स, ये डिफ़ॉल्ट के वाले से पूछा, डिफ़ॉल्ट किसको बनाने, जब आप वैल्यू इसके अंदर लिख दोगे तो ये डिफ़ॉल्ट बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने 170K देंगे, उसका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हम देंगे 512K, ठीक हो गया जी। ये 512 को कनेक्शन बन जाएगा, अप्लाई एंड ओके। इस तरह आपने बाकी सारे प्रोफाइल बना लेने। अब है यूज़र बनाने हैं, ये यूज़र हम बनाते हैं इसके सीक्रेट के अंदर, तो यूँ समझ लो सीक्रेट का दूसरा नाम यूज़र है, ठीक है। प्लस का बटन प्रेस करना है, कहता है जी यूज़र का नेम बताओ, मैंने कहा जी यूज़र का नेम है टेस्ट, ठीक है। पासवर्ड 123, सर्विस के ऊपर आपने पीपीयू सर्विस आपने यहाँ पे देना है इसको, ठीक है। और ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉलर आईडी के ऊपर ना इसका मैक एड्रेस आता है, तो मैक एड्रेस जब ये कनेक्ट करेगा क्लाइंट हमारे सर्वर को तो मैक ऑटोमेटिकली लॉक के अंदर आ जाएगा। लॉक के अंदर जब आ जाएगा तो आपने यहाँ से उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देना आपने, तो फिर ये एक किस्म का बाइंड हो जाएगा ये, कि इसी यही मैक होगा वो यूज़ करेगा, उसका मैक कॉपी करके इधर पेस्ट, हाँ इधर पेस्ट करना, फिर वो बाइंड हो जाएगा, हाँ जैसे यूज़र में हम करते थे हॉटस्पॉट के अंदर, ठीक है ना। तो फिर वो बाइंड हो जाएगा, फिर वो उसी लैन कार्ड से इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर लैन कार्ड चेंज कर लेता है, कंप्यूटर चेंज कर लेता, फिर उसका ये अकाउंट नहीं चलेगा। इसकी ऑटो ऑप्शन आई थी, वो नहीं काम करेगी। कौन सी वाली ऑप्शन, जब लोग पीछे जब बनाया था तो इसकी ऑटो की ऑप्शन आई थी ना, तो आपने बताया था कि ये खुद ही मैक एड्रेस उठा लेगा। नहीं, वो उसके अंदर था, आपका रेडियस सर्वर के अंदर था, रेडियस सर्वर के अंदर था कि फर्स्ट यूज़ मैक एड्रेस उसका, फर्स्ट बाइंड इस तरह करके ऑप्शन थी उसकी। तो ये हमें मैनुअल देना पड़ेगा।